के माध्यम से हम लोग 107 का नोटिस दिया गया। सरकार प्रशासन पर दबाव डलवाकर हमारे ऊपर दबाव डलवाना चाहती है, प्रेशर बना रही है कि किसी भी तरीके से आवाज़ को दबाया जाए। मेरा नाम कैलाश यादव है। हम किसी भी चीज़ पर हाथ डालते हैं तो हम सही चीज़ पर हाथ डालते हैं। सरकार अपनी गहरी नींद से उठे, जो उनसे गलती हो चुकी है जाने अनजाने में, उसको जो है कि प्रायश्चित करें। 1932 तो किसी सूरत पर कबूल नहीं हुआ। कल मधुकोड़ा जी का बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री कि 1932 ठीक है, रहने दीजिए, 1964 को भी मान्यता दीजिए। ऐसा होता है क्या? ये दुकानदारी चल रहा है कि ये किलो ज़्यादा दे दिए, थोड़ा सा 250 ग्राम निकाल लीजिए, ऐसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत, मैं हूँ सोनू कुमार पांडे। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। वहीं विरोध करने वाले लोगों में एक बड़ा चेहरा कैलाश यादव जी का आता है। हम लोग इन्हीं के आवास में हैं और इनसे जानेंगे, इन पर FIR भी हुआ है। जानते हैं इन्हीं से कि क्या है पूरा मामला, क्या FIR किया गया। परसों 18 तारीख को झारखंड नव निर्माण मंच का एक बैठक था, महत्वपूर्ण बैठक था। हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि 1932 खतियान के विरोध में राज्य स्तर पर एक महामंच का गठन किया जाएगा, तो उसी को लेकर उस दिन हम लोग झारखंड नव निर्माण मंच का गठन किए। उस बैठक में शहर के विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, प्रमुख प्रतिनिधि को, क्योंकि जीतिया त्यौहार भी था परसों। तो उसी दौरान पता चला कि हम लोग के ऊपर जो है जिला जो सत्र अनुमंडल न्यायालय है उसके माध्यम से हम लोग 107 का नोटिस दिया गया। कुछ कंडीशनल नोटिस था उसमें, तो मुझे पता नहीं था। उसी दिन उसके रात पे भी हमको व्हाट्सएप में प्रशासन के द्वारा भेजा गया था। तो हम लोग चिंतित थे कि रविवार का दिन है, आज बैठक है और आज ही अफरा तफरी में प्रशासन जो है कि नोटिस भेजता है कार्यक्रम। लेकिन अगर आंदोलन करने वाले, आवाज़ बुलंद करने वाले ऐसे ऐसे नोटिस का प्रवाह करेंगे तो जनता का जो है कि मामला दब जाएगा। और सरकार कहीं ना कहीं भयभीत है, सरकार प्रशासन पर दबाव डलवाकर हमारे ऊपर दबाव डलवाना चाहती है, प्रेशर बना रही है कि किसी भी तरीके से आवाज़ को दबाया जाए, चुप किया जाए। लेकिन ये संभव नहीं है। मेरा नाम कैलाश यादव है। हम किसी भी चीज़ पर हाथ डालते हैं तो हम सही चीज़ पर हाथ डालते हैं और अन्याय के खिलाफ हम लड़ते हैं। मेरा इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, तो अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ में जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, सरकार के द्वारा लगातार जो है बेदखल करने का जो मैंने योजना बनाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ और व्यापक आंदोलन तेज करेंगे। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, जो सवाल आया उसका जवाब दिया जाएगा, जो नोटिस में सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसे हम भयभीत नहीं हो सकते हैं। हमारा कार्रवाई और मजबूत होगा और अब पूरे व्यापक स्तर पर जाएगा। इसको लेकर जो है कि झारखंड नव निर्माण मंच जो हम लोग बनाए हैं, इसका संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको एक आध सप्ताह में इसका संगठन का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग का हिंदुओं का नवरात्र भी है। 4 दिन के बाद से नवरात्र तैयार शुरू होने वाला है, खुद हम नवरात्र करते भी हैं, तो हम देखते हैं इसमें। लेकिन नवरात्रा के बाद ये आंदोलन बहुत तेज़ी गति में पकड़ेगा, क्योंकि कई जिलों के लोग हमसे संपर्क में पहले से बोलते आ रहे हैं और हम बनावटी बात नहीं बोलते हैं। हमारा लड़ाई सरकार से है और लड़ाई का मतलब कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी बातों को सरकार तक हम पहुँचाने का कोशिश करें कि सरकार अपनी गहरी नींद से उठे, जो उनसे गलती हो चुकी है जाने अनजाने में, उसको जो है कि प्रायश्चित करें और इसको अविलंब निरस्त करें। 1932 अगर नहीं कीजिएगा, अगर आप अडिग रहिएगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जनता इनको बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। नतीजन होगा कि आप 1.5 से 2 करोड़ लोगों को जो बाहर करने का जो रणनीति बनाए हैं उसका हम लोग पर्दाफाश करने के लिए हर क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करके गोलबंद करने का काम करेंगे। ये हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए, इसमें हम किसी तरीके से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े, हम उस कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमको संविधान ने मान्यता दिया है, इजाज़त दिया है, संविधान में व्यवस्था है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम अपनी बात जो है कि मुखरता से रख सकते हैं
और वही काम हम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को झुकना ही पड़ेगा अंततः। अगर नहीं झुकेगी तो 1932 तो किसी सूरत पर कबूल नहीं होगा। इसलिए कबूल नहीं होगा, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में और आप कानून बना रहे 1932 का, तो कोई भी कॉमन सेंस कोई भी लोग सुनेगा तो कहेगा कि तो विचित्र बात है भाई, देश जब आज़ादी नहीं हुआ 1932 में तो आप 1932 का कानून क्यों ला रहे हैं। तो किसी भी सूरत से किसी भी रास्ते से जो है कि ये मान्य नहीं है। इस लेकर इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी दिया जाएगा। 2002 में भी लोगों ने कुर्बानी दिया था, पुनः अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो लोग जो है कि अपनी अस्मिता अपने अस्तित्व बचाने के लिए, चूँकि करोड़ों करोड़ों की आबादी है उसको आप कैसे खारिज कर दीजिएगा। और कोई लोग रिफ्यूजी बन के नहीं आए हैं, एकीकृत बिहार के समय से आ रहा है, राज बट गया तो लोगों का क्या गुनाह है। और अच्छी बात है, भाईचारा बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, एक साथ बनाइए, राज्य का विकास कीजिए। तो हमको आप छांट के कहते हैं कि नहीं जिसका 32 है उसको करेंगे, और हमको जो बोलते हैं कि आप कमाने खाने हैं वो काम कीजिए। इससे बेतुका और इतना घृणात्मक बयान कभी नहीं हो सकता है, बेहद ही शर्मनाक बयान है। ऐसे ऐसे बयानों का हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। तो सरकार जगे नहीं जगेगा तो इसके लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है आपको लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग हर व्यवस्था को जो भी खंगालने का काम करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि नोटिस आने के बाद कैलाश यादव का कदम धीरे हो गया है? बिल्कुल गलत है। लोग अगर ऐसा कहीं सोच रहे हैं कर रहे हैं तो उनके नासमझी पर हम जो है कि हंसते हैं। इससे हम और मजबूत हुए हैं और व्यापक रूप में मजबूत हुए हैं। ये पूरा जो है कि अभी राज्यव्यापी रूप पकड़ेगा। अब हम कहना चाहते हैं जो विषय को लाया गया क्या उसका पहले समीक्षा की गई, जबकि 2002 में इसको ऑलरेडी खारिज कर दिया गया था न्यायालय के माध्यम से, जनता ने खारिज किया था इनको, औंधे मुँह गिरना पड़ा था उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और सरकार को। तो आप बगैर समीक्षा किए हुए, बगैर लोगों से बातचीत किए हुए कैसे से सुझाव लिए अपला दिए इस विषय को, आपाधापी में उस दिन लाकर आपने सिग्नेचर करवा लिया। हम पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस या जितने भी मंत्रिपरिषद के साथी हैं, क्या आप लोगों ने इसको अध्ययन किया था? आपके इसका प्रारूप थी मैंने जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट का आप लोग अध्ययन किया? कई सामाजिक संगठनों से आपने बात किया? क्या विपक्षी से बात किया? दूसरे दलों के जनप्रतिनिधियों से बात किया? जो इंडिपेंडेंट है निर्दलीय उनसे बात किया? ये जितने भी यहाँ सामाजिक संगठन इस विषय को लेकर जो सजग है उनसे आपने बात किया, बुलाया, चर्चा की? नहीं की। तो जब नहीं की तो आप इसका मतलब ला के थोप दिए। इसका मतलब कि जो सहयोगी दल उसको आप गिरवी बना कर रखे हैं, डमरू पर अपने नचा रहे हैं। ऐसे राज नहीं चलता है, राजतंत्र बना दिया आप, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लेकिन राजशाही स्थिति पे नहीं चलेगा। राजतंत्र के तरह जो है कि लोकतंत्र नहीं चलता है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। आप उस परिवार से उस फैमिली से आते थे लेकिन आप तो गजब कर दिए, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि नोटिस से लोगों को डराया जा रहा है जो आवाज़ उठाया है? निश्चित तौर पर हमको कितने प्रशासन से भी हमको दबाव आया है, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। हमको कल दो दिन से काफ़ी परेशान किया गया, लेकिन हम सत्य के रास्ते पर, हम अहिंसा के रास्ते पर हैं। जो महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था हम उस रास्ते से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, और हम कभी भी जो है कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं अपना सकते। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम उसी के तहत चलेंगे, और हम जो है हम लोग भारत के संविधान का इज्जत करते हैं, और भारत में अगर झारखंड है तो झारखंड भारत के संविधान के तहत चलेगा कि अपना अलग संविधान बनाएगा, बताइए। तो ये जो कानून लाया गया है किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया सकता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पिछले बजट सत्र के दौरान में विधानसभा सत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था ये प्रैक्टिकल नहीं है, किसी भी एंगल से न्यायालय में कानून में विधि सम्मत नहीं है, नहीं टिकेगा। इसलिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में नहीं लागू हो सकता है, और वही मुख्यमंत्री मतवाला हाथी की तरह आए और एक आकर ऐलान कर दिया, सर्टिफिकेट में साइन करा लिया सबसे प्रपोजल में। तो ये समस्या परे है, 1932 जैसा जिसका जीवन मरण का सवाल है वैसे लोगों का वितरण। अभी हमको सरायकेला से कुछ लोग फोन किए थे, बोले जो वहाँ का स्टेट है जो राजा महाराजा हैं उन्होंने बयान दिया है
कि हम यहाँ का महाराजा हैं, सबसे पहले हम यहाँ रहने वाले लोग हैं। जब हमारा 1932 का खतियान नहीं है तो हम लोगों का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है, ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। मधु कोड़ा जी भी बोले कि मेरा भी 1932 का नहीं है। अरे मधु कोड़ा जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, मधु कोड़ा तो अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने इलाके की, अपने ज़िले की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड का मामला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम MLA लातेहार के क्या बोले? ये संभव नहीं है। लातेहार से बहुत लोग उन्हें बोले, 1974-85 से 2005 तक जो है कि वहाँ पर सर्वे वे भी चल रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बना। आधार क्या बनाइएगा आप? आखिर वहाँ पर स्थानीय नीति का आधार क्या रख रहे हैं, किस बेस पर इसको तय कर रहे हैं? इसलिए स्पष्ट तौर पर है कि कानून में भी कोई झमेला नहीं होगा, न्यायालय भी आपको सम्मान करेगा। कब? जब आप 15 नवंबर 2000 कट ऑफ डेट रखिएगा, तब। जब उत्तराखंड छत्तीसगढ़ को एक समान रखा गया, उसी मापदंड पर उसी तौर पर आप झारखंड में भी आपको बनाना पड़ेगा, किसी सूरत पर बनाना पड़ेगा। और वही मांग हम लोग का सदैव जो है कि जारी रहेगा, और इस मांग का मुखालपत हम यहाँ से लेकर सदन तक करेंगे, न्यायालय तक करेंगे। आवश्यकता आएगी तो जनता के द्वारा जो है कि जनता सड़क पर निकलेगी, अपनी आवाज़ उठाएगी। जनसंग्रह की आवश्यकता हो तो जनसंग्रह भी किया जाएगा। अच्छा, तो कल मधु कोड़ा जी का बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री कि 1932 ठीक है, रहने दीजिए, 1964 को भी मान्यता दीजिए। ऐसा होता है क्या? ये दुकानदारी चल रहा है कि 1 किलो ज़्यादा दे दिए, थोड़ा सा 250 ग्राम निकाल लीजिए, ऐसा होता है? कानून बनता है तो कानून विधि सम्मत बनता है कि जैसे जो कहेगा वैसे बन जाएगा। मुख्यमंत्री 1932 पर हटे, आप 1964 पर हटे, कोई 1974 कह रहा है, कोई 2005 कह रहा है, कि तमाशा बन गया। जब आपका लास्ट सेटलमेंट नहीं हुआ है, अंतिम सर्वे नहीं हुआ है, तो आप किस आधार पर इसको तय करें? और 1932 क्यों, 2000 क्यों नहीं, बताइए। आप ब्रिटिश सर्वे लाइएगा, अंग्रेजों के ज़माने का, अंग्रेजी शासन का, हुकूमत का जो है कि आप विधान लाइएगा, ये कैसे कबूल होगा? ये तो अपना भी सोच होना चाहिए कि जब देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ और हम 1932 का कानून ला रहे हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी होगा तो ये सोचेगा। तो ये तो राज्य को मजाक के लोग बना दिया है। कहीं भी अगर ये लोग डिस्कशन चर्चा के लिए जाएंगे, हम खास करके कांग्रेस पार्टी पर हम दबाव देना चाहते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, देश में अनेकों कानून आपके माध्यम से बना, देश में केंद्र सरकार के द्वारा कई स्टेट में बना, लेकिन इतना बचकाना हरकत कांग्रेस ने क्यों किया? यहाँ पर कैसे समर्थन दे दिया आपका? 4-4 मिनिस्टर साइन कर दिया इस पर, कांग्रेस के प्रभारी हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? प्रदेश के कौन नेता जो है कि दिग्भ्रमित कर रहा है जनता के मापदंड को? बहुसंख्यक आबादी को आप रौंद के चलिएगा, जिसके बल पर आप सत्ता में आए हैं। अगर महागठबंधन नहीं रहती तो कांग्रेस की हैसियत थी सरकार में आने की, बताइए, या झारखंड मुक्ति मोर्चा का किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है? आप सामूहिक एजेंडा इसको कैसे बना रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, महागठबंधन का जो बना था फॉर्मेट, क्या उसमें 1932 था? कतई नहीं था। OBC का आरक्षण का मामला था, 27% लाने का, ST SC OBC माइनॉरिटी का एक संयुक्त जो है ताकत बनी थी राज्य में, आप उसको खंड खंड करने का काम किए हैं। आप सोचते हैं कि इससे हमारी बल मिलेगा, हम और मजबूत होंगे? ये आपका सोच गलत है। जाके जाइए गांव में, शहर में, हर जगह आप लोगों का क्रिटिसाइज हो रहा है, उपहास किया जा रहा है। कुछ लोगों से अबीर लगवा के झंडा निकलवा दिए, ढोल नगाड़ा बजवा दिए, उसका कितना गलत संदेश गया है। आप तीनों के घर को जो है कि बेघर कर रहे हैं, उसके आंसू पोंछने का बजाय जो है कि आप उस डंडा बजा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। राज चलाना होगा तो पूरे लोगों के विषय में आपको सोचना होगा, किसी खास समुदाय, किसी खास जो है कि आबादी के लिए अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये जो है कि राजहित में नहीं है, जन विरोधी निर्णय है, बेहद खतरनाक निर्णय है, किसी एंगल से जो है कि राजहित में नहीं है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कैलाश यादव जी, जो इनका कहना है कि अब ये कदम रुकेगा नहीं और तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा, नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं। 1932 खतियान के तमाम अपडेट के लिए आप जी बने रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।